इधर से टोटल बॉटम टाइल्स चेंज किए। ये हम सावल का भी पार्ट आईडी नंबर बताएंगे, ये जो सावल है सावल का भी पार्ट आईडी नंबर बताएंगे, साइड लाइनर का भी बताएंगे, ये टोटल का मैं पार्ट आईडी और कितने कितने पीस लगते हैं ये हम सारे बताएंगे। चलो अब एक एक करके बताता हूँ। ये रहा ये टाइल जो है, ये देख रहे हैं ना, इसकी पार्ट आईडी है 80 21 17 29। ये 12 पीस लगेगी, देखिए इधर से ऐसे घुमा के 12 पीस लगेगी। इसके जस्ट बगल एक पीस और ये लगा है, इसकी पार्ट एक पीस अदर बगल एक पीस उधर है, ये दोनों की पार्ट आईडी नंबर अलग अलग होती है। अब ये दोनों लगे हुए देखो, एक ये और एक ये राइट लेफ्ट में होता है, इसकी पार्ट आईडी नंबर है 80 21 17 30 और ये पार्ट आईडी नंबर है 80 21 17 31। ये और ये लगता है तुम्हारा 6 पीस, ये इसको बॉटम प्लेट ही बोलते हैं, सारे को बॉटम प्लेट ही बोलते हैं। इसकी पार्ट आईडी नंबर है 80 21 17 62, ये 6 पीस लगता है। और ये देखो दोस्तों, ये वाला ये गेट के जस्ट बगल है, ये है 80 21 17 31। फिर ये 2 पीस लगता है यहाँ पे गेट के जस्ट पास में ही, ये देखो एक ये पीस लगता है और एक ये पीस लगता है, ये है 80 21 17 32, ये है 80 21 17 33। ये और ये जो है ये 34 है, 80 21 17 34, एक एक पीस लगता है ये, और ये है 80 21 17 35। ये और फिर ये 6 पीस लगता है, इसको साइड लाइनर बोलते हैं, ये 6 पीस लगता है। इसकी पार्ट आईडी नंबर मैं बता देता हूँ आपको, इसकी पार्ट आईडी नंबर है आपका 80 21 17 27। ये 6 पीस लगता है, देखेंगे आप लोग, ये 6 पीस लगता है, इसकी पार्ट आईडी नंबर है 80 21 17 27। 6 पीस वियरिंग प्लेट बोलते हैं, कंपोजिटिव मेटल है ये। और ये देखो ये सावल है अपना, सावल ये सावल हम लोग 6 पीस लगता है, ये डबल हॉर्न सावल बोलते हैं, इसका पार्ट आईडी नंबर 80 200 844, जो कि आप लोगों को जल्दी मिलता नहीं, मंगाने में प्रॉब्लम होती होगी। ये देखो ये 4 पीस लगता है अपना, इसकी पार्ट आईडी नंबर है अपना 80 20 47 08। 2 पीस इधर लगता है, 2 पीस रोटर, और टोटल जो टाइल हमारे इसमें लगती है वो 44 लगती है, ये रोटर का लेके 44 लगती है। रोटर और ये जो गेट है, ये गेट देख रहे हैं, ये गेट और रोटर का दोनों का लेके 44 पीस लगती है। बट हम ये चेंज नहीं किए, ये वाला चेंज नहीं किए।